नमस्कार, आई एम जेवियन एसएस कुमार, प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी। आई विल डिस्कस टुडे प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, फर्स्ट खरीफ क्रॉप। इन कंटिन्यूस टू पास प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, टुडे वी विल डिस्कस सीड ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन सीड। व्हाई सीड ट्रीटमेंट इज एसेंशियल? इट इंक्रीज द जर्मिनेशन परसेंटेज एंड look for seed borne disease free, control to seed borne disease. Delinting in cotton. Delinting is very important. This process by which the fuzz present on the cotton seed is removed by mechanical or chemical. Mechanical के अंदर इसमें है कि दो तीन तरह से seed treatment करते हैं cotton का। पहले cotton के seed को overnight भिगो लेते हैं, उसके बाद में उसको गनी बैग में काउडर के साथ में रब करके उसके ऊपर की जो फजी स्ट्रक्चर है कॉटन सीड की उसको रिमूव करते हैं। बट दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड। इसमें क्या है कि कई प्रेशर ज्यादा लगने से सीड डिस्टर्ब हो जाता है और वो स्प्राउट या जर्मिनेट नहीं होता है। दूसरे मेथड जो केमिकल मेथड्स है वो साइंटिफिक भी है। ऑब्जेक्टिव इसकी क्या क्या है? ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज द जर्मिनेशन परसेंटेज and seed germination, kill surface parasites, reduces the time of seed cleaning and breeding, improves handling and planting by machines, and boost the yield of cotton. Cotton ki yield increase hoti hai. Method of delinting. Ek acid delinting hai, ek mechanical delinting hai. फर्स्ट मेरिट ऑफ एसिड डीलिंटिंग, इसमें एस्टिमेशन ऑफ एक्सटर्नल सीड बॉर्न पैथोजेंस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स किल द एग्स एंड लार्वी ऑफ द इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द फज प्रेजेंट इनसाइड द फज। इट किल्स द पिंक बॉर्न, रिमूव इमेच्योर इंजर्ड एंड डिजीज सीड्स, मैक्स सीड dressing easy and effective in germination. Demerits of acid delinting: if the seeds are not cleaned properly after delinting, the acid is likely to enter the seed and damage the embryo. The fuzz is completely destroyed and not available for industrial use. Merits of mechanical methods: harvesting and the cost is incurred by the treatment. Raw material required for doing this are readily available in the locality. Procedure: सबसे पहले इसको concentrate sulfuric acid से treat करते हैं। 1:10 के रेशियो में एक भाग बीज का यानी 100 ग्राम सीड 100 ml एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और 1 किलो सीड के अंदर, फिर उसको अंदर ग्लास बीकर के अंदर डाल के उसको 1 या 2 मिनट तक स्टीरिंग करते हैं ताकि देख लेते हैं उसकी जो आउटर साइड का सरफेस है वो बढ़ जाती है और ब्लैक उसके सीड की पॉट बाहर आ जाती है। और 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा टाइम तक करोगे तो उसकी सीड की जो है सीड जलने के चांसेस होंगे और सीड भी नॉट स्प्राउट और नॉट जर्मिनेट। और इसको यूनिफॉर्मली स्टीरिंग करते हैं। यूनिफॉर्मली स्टीरिंग नहीं करोगे तो जिस सीड के कॉन्टेक्ट में एसिड ज्यादा रह गया वो तो जल जाएगा और कुछ का डीलिंटिंग नहीं होगी, इसलिए इसको स्टीरिंग इज मस्ट। उसके बाद में तुरंत 3 से 4 दफे उसको ऑर्डिनरी वाटर से वाश कर लेते हैं। वाश करने के बाद में उसको छाया में सुखाते हैं। छाया में क्यों सुखाते हैं? ताकि वो एकदम श्रिंक नहीं हो और सीड जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए छाया में सुखाना जरूरी है। और उसके बाद में उसको आप सोइंग कर सकते हैं, जो पूरा ड्राई होने के बाद में सोइंग करते हैं। और दूसरा ZnCl2 जिंक क्लोराइड से भी करते हैं, लेकिन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से इजीली अवेलेबल है और सस्ता होता है और टाइम कंज्यूमिंग कम है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज बेटर। जिंक क्लोराइड से 3 से 4 मिनट तक
उसको कॉटन को सीड को ट्रीट करते हैं और उसको सेम प्रोसीजर स्टरिंग करते हैं, उसके बाद के अंदर वही दो तीन दिन वॉशिंग करके छाया में सुखाते हैं। तो सेम इट आल्सो इंक्रीज द जर्मिनेशन परसेंटेज। मेटेरियल रिक्वायर्ड के अंदर आपकी जो ग्लास की बोर्ड है, कॉमर्शियल ग्रेड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, या जिंक क्लोराइड से करें तो जिंक क्लोराइड है। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर एनिटिंग ऑफ फल। आउटर जो सीड कॉटन के अंदर फजी स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस जो इंसेक्ट पेस्ट लार्वी वगैरह है वो सारे किल हो जाएंगे और इससे सीड आपका क्रॉप डिजीज फ्री होगी, इंसेक्ट फ्री होगी। नॉट द कलर ऑफ द मैक, उसका जो कलर आएगा वो काला आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, उसके वाइट जो फजी स्ट्रक्चर है वो रिमूव होने के बाद जाएगा और उसको ड्राई करके करना इसको।